हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है बट सावित्री ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आप देख रहे हो कि मुझे फिलहाल पंखा होकर जा रहा है और मैं भी महारानी की तरह पैरों के ऊपर पैर उठा के एंजॉय कर रही हूँ। ये सारी खूबसूरत चीजें होने से पहले की बैक स्टोरी पे ले चलती हैं आप। तो मैं सबसे पहले गई थी मार्केट में गई थी क्या करने, मेहंदी पहनी। और मेरी फूटी किस्मत और मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने पहले अपॉइंटमेंट लेना भूल गई थी और गई थी, सोची थी कि मुझे तुरंत लग ही जाएगा, लेकिन लगा नहीं। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि भैया मेरे हाथ में तो मेहंदी लगने से रह गई। तो मैं सोची चलो क्यों ना मेहंदी खरीद के लेके जाया जाए। और मेरे हाथों में जो हीना लगी हुई है, ये लगाया ही है हीना ही ने, यानी कि मेरी देवरानी की छोटी सी सिस्टर ने। उन्होंने मेरे हाथों में बहुत प्यारा सा मेहंदी रचाया और कितना खूबसूरत था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बहुत बढ़िया मुझे मेहंदी लग गई। अरे वाह, क्या रंग आई है। मुझे ना पहले से ही ऐसे लिखवाना था सोनू और बट सावित्री, देख ही सकते कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, मेरे पापा जी आए थे शाम को, उन्होंने फलूल लेके गए थे पूजा पर्पस में, वो वीडियो क्लिप नहीं ले पाई थी। तो मैं सुबह मेरी सासू माँ ने मुझे बुलाया, मैं फल थोड़ा बहुत काट के कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। फिर आई बारी मेरी तैयार होने की और मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी। ये जो मंगलसूत्र अभी आपने देखा वो मेरी मम्मा ने मुझे दी है, ये बट सावित्री पर्पस से। और सारी जो छोटी छोटी मोटी ये चूड़ी रेड कलर की मैं लाहाटी वाली ये चूड़ी भी लाई हुई थी पहनने के लिए। और ये जो रेड साड़ी आप देख रहे हो, ये साड़ी मेरी देवरानी ने मुझे दी थी एंगेजमेंट में। और मेरी सासू माँ ने भी मुझे साड़ी, वो साड़ी की ब्लाउज पीस तैयार नहीं हो पाई इसलिए मैंने यही साड़ी पहना। और ये साड़ी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मैं जब पहन के रेडी होने वाली हूँ ना, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। फिर आई बारी पैर लगाने की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से पैर लगाऊँ, मैंने पायल भी पहन लिए थे। और ये पायल मुझे मेरी सासू माँ ने मुझे किसमें दिया था, हाँ जब मैंने खाना पकाई थी ना उसमें दी थी। और ये अलता भी मैं पहन ली, तो अलता पहनने के बाद मैं साड़ी वाड़ी पहन के अपने शादी के, मतलब जिस शादी में मैं सिंदूर दान में जो दुपट्टा ली थी वो भी दुपट्टा ली थी, सब चीज़ पहन के मैं एकदम दुल्हन जैसी रेडी हो गई थी, हल्की फुल्की दुल्हन जैसी। शादी में जैसी रेडी हुई थी उस तरह से तो मैं हो ही नहीं सकती थी ना, लिपस्टिक काजल। और उसके बाद थोड़ी बहुत मैं पोज भी मार रही थी। और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाने वाली हूँ जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। और मेरी फेवरेट वाली फ़ोटोज़ थी ये वाली जो अभी आपको दिखेगी। वाह कितना खूबसूरत आया है ना। और ये सारी मैंने सेल्फी मोड में फ़ोटो क्लिक की है। टैलेंट तो है भैया, मजाक कर रही हूँ, ज़्यादा सीरियस भी मत लीजिएगा। फिर मैंने इंस्टा के लिए कुछ रील्स बनाई और वही सारी रील्स अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ, तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। पूजा के बाद मैंने ये सारी रील्स बनाई, पहले नहीं। और पूजा स्टार्ट हो गई। पूजा हमारे घर के ही आंगन में यानी कि पीछे साइड में हो रही थी और मम्मी जी ये घूम रही हैं और मंत्र पाठ कर रहे थे। आंटी जी, छोटी माँ बैठी हुई थी, बीच में मेरी देवरानी बैठी हुई थी और मेरे साइड में बैठी हुई थी। बहुत ही शांत सुशील लग रहे हैं और यहाँ पे हम दोनों का मूड उतरा हुआ भले लग रहा हो पर ध्यान से सुन रहे हैं, हम लोग कथा सुन रहे थे। आप लोग भी थोड़ा बहुत कथा सुन लीजिए। धर्मराज बोले, तुम वरदान मांगो, तो वरदान मांग पर सावित्री ने कहा मेरा मां बाप के। सुनने में हम लोग इतना मग्न हो गए थे कि हम लोगों का चेहरा ऐसा उतरा हुआ लग रहा है, खास करके रीमा का, कि पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कितना दुखी क्यों हो गए। फिर आई बारी कुछ सेल्फी लेने की, सेल्फी ले ले दे, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। और फिर मैंने थोड़ा बहुत पूजा का रिचुअल्स भी फॉलो किया और यहाँ पे मेरी नथिया जाएगी खुल और सासू माँ देगी बहुत बड़ी हंसी। नथिया खुल गया, छेदान से निकल गया। हाँ चेतन, एक बार उठा देखो चेतन।
आफ्टर पूजा कुछ फोटोज क्लिक करवाए हम लोगों ने, ये देखिए हम तीनों बैठे हुए, फिर भरासुआ ने मुझे सिंदूर भी लगा दिया और ये रही मेरी फाइनल टच ऑफ दिस पूजा, मैंने उन्हें पंखा होकर। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।